Guys, this is Amir and welcome to my YouTube channel Amir the Foodie Traveler. ये वीडियो होने वाला है बहुत खास क्योंकि ये वीडियो में हम बनाने वाले गोश्त, ये गोश्त ना बनेगा स्टोव पे ना माइक्रोवेव में, ये गोश्त हम बनाएंगे पत्थर पे। ये वीडियो वो टाइम का है जब हम चार दोस्त मिलके मेरे एक मास्टर शेफ दोस्त शबनम उसके घर में बनाए थे पत्थर का गोश्त। तो पत्थर का गोश्त के लिए पहले क्या करना बोलते हो, एक स्टैंड में कोयला गर्म कर लेना, स्टैंड के बोलते हो पत्थर को सपोर्ट मिले सरकार, इसके पास सिल्क का स्टोन लगाना। सिल्क का स्टोन क्या बोलते हो, गर्मी बर्दाश्त करता, हर वो स्टोन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो देखो, हमारी फ्रेंड शबनम है, शबनम बहुत ही अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी शेफ़ है, एक से एक डिशा पकाती। इसका इंस्टाग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो और वीडियो एंजॉय करो। आज मैं बना रही हूँ पत्थर का गोश्त। ये मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर रही हूँ स्टोन पे, सो देट जो हम मटन डालें वो स्टिक ना हो। अभी आप देख रहे हो ये जो मैंने पत्थर का गोश्त इस पत्थर में लगाई हूँ, पत्थर अच्छी जगह अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। ये जो पानी ये भी मैं यूज करने वाली हूँ, इसी में रिड्यूस हो जाएगा पानी इसका। देख रहे हो आप कितना पानी निकला है इसमें से, ये पानी वेस्ट नहीं होगा, इसी पानी में ही ये गोश्त जो है वो गल जाएगा। ये जैसे पानी टपक रहा है इस गोश्त का, वो मैं वापस से रीयूज करूंगी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, अगर मेरा रोजा नहीं होता तो शायद मैं अभी खा चुकी होती सारी की सारी, बट इंशाल्लाह इफ्तार में हम ये खाएंगे। ये जो है पत्थर का गोश्त हैदराबाद का स्पेशल डिश है, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया बट मैंने हमेशा सुना है इसके बारे में, तो मैंने आइडिया लगाया कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि हम घर में बना सकते हैं कि नहीं, बट लेट्स सी बनता है कि नहीं। ये मेरे पत्थर के जो गोश्त है रेडी हो चुके हैं, थोड़ी ब्राउन ब्राउन हो गया है। ये अब सर्व करके फिर शेयर करूंगी। क्या है बोलते नहीं मानूंगा। तो पत्थर को बेसिकली हैदराबाद का एक ऑथेंटिक डिश है जो पत्थर के ऊपर बनाते, तो गरम गरम पत्थर पे जो मैरिनेट करे सब कुछ, उसमें मसाला वो मिलाते उसको पत्थर के ऊपर जाके पकाते, बहुत मजे का बनता। तो पत्थर की गोश्त की कहानी है, तो वो जमाने में निजाम अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। वो जमाने में ना रेस्टोरेंट था ना कोई स्विगी था खाना खाएंगे बोलते, तो जो भी है ना जंगल में फ्रेश जब भी हंट करके पका के खाते थे। तो क्या हुआ, वो तेंडुलकर बर्तन नहीं था, तो ना क्या करे बोलते जानवर को मार के उसको गोश्त पत्थर पर जाके बनाए, बहुत मजे का बना, उनको बहुत पसंद आया। तो जब से वो डिश हैदराबाद का ऑथेंटिक डिश बन गया।